हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष शरद और मैं एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर और साउंड इंजीनियर हूँ। तो आइए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मेलोडाइन और ऑटोट्यून को दोनों को एक साथ कैसे यूज़ किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों ट्यूनिंग की प्लगइन्स है और हम दोनों को जो है एक साथ यूज़ करके काफ़ी अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और एक नई टेक्निक आपको पता चलेगी कैसे दोनों को एक साथ यूज़ किया जाता है। ओके दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने ये एक म्यूज़िक की फाइल है, तो हम इसे पहले प्ले करके देखते हैं कि किस तरह से ये साउंड कर रहा है। ये जग रहे या ना रहे। तो अभी जैसे आप सुन पा रहे होंगे कि इसके अंदर जो है यहाँ पर भी कुछ सुर जो बिखरे हुए हैं और यहाँ पर भी जो है सुर इसके बिखरे हुए हैं। तो देखिए, हमें ऑटो ट्यून और अगर मेलोडाइन को दोनों को साथ में यूज़ करना हो तो हम किस तरह से उसे यूज़ करेंगे कि सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ऑटो ट्यून की अगर हम बात करें तो हमारे पास में जैसे ऑटो ट्यून होता है वो क्या करता है कि ऑटोमेटिकली ट्यून करता है। तो ऑटोमेटिकली ट्यून करने के अंदर उसके अंदर अब आप अलग से नोटेशन वगैरह तो देते नहीं है कि उसे पता चल जाए कि ये वाले नोट पे है तो इससे इतना हाई करना है या इससे इतना लो करना है। तो होता क्या है कि जब भी ऑटो ट्यून वर्क करता है तो ऑटो ट्यून के हिसाब से जो भी उसे नोटेशन सही लगता है, एग्जाम्पल के लिए अगर सी नोट है, अगर आपके सिंगिंग में सी नोट है और सिंगिंग में जो सी नोट है वो एक्चुअल में मतलब डी को अगर टच कर रहा है, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो ज़्यादा हाई या हो गई है वो डी को टच कर रहा है, तो गाइज उस कंडीशन में ऑटो ट्यून को ये लगेगा कि ये जो नोट है ये डी का नोट है, तो वो उसे क्या करेगा कि सिंपली उस नोट को जो है ऑटो ट्यून करके डी पे लाएगा। और उस वजह से क्या होता है, कभी कभार जो हमारे वोकल्स वगैरह रहते हैं वो मतलब बिगड़ जाते हैं, हम उसे सुनते हैं तो वो थोड़ा सा अलग साउंड होने लग जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें एकदम परफेक्ट ट्यूनिंग वोकल चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे वोकल्स रहते हैं हम उन्हें पहले जो है मेलोडाइन से ट्यून कर सकते हैं, या यूं कहे कि उनके नोटेशन को जो है हम सही कर सकते हैं। और जब नोटेशन सही हो जाएंगे तो उसके बाद में जब हम उसमें ऑटो ट्यून का यूज़ करेंगे तो दोस्तों ऑटो ट्यून उसकी जो पीच है वो परफेक्ट कर देगा। तो आपके वोकल के अंदर जो है, तो एक तो पहली बात कि आपके नोटेशन सही हो जाएंगे और दूसरी चीज़ यही रहेगी कि आपकी पीच सही हो जाएगी, तो आपका जो साउंड है वो प्रोफेशनली साउंड करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि उसे किस तरह से करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर इसमें हम मेलोडाइन डालेंगे। देखिए, ये मैंने मेलोडाइन यहाँ पर डाल दिया है। अब मेलोडाइन के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको लगता है कि मेलोडाइन के लिए सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो फिलहाल हम क्विकली देखते हैं, तो हम यहाँ पर इसे रखेंगे और ट्रांसफर पर हम क्लिक करेंगे और इसे प्ले कर देंगे। षष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम फिलहाल में इतनी लाइन लेते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि हमने जैसे ही इसके अंदर जो है तो वोकल्स को ट्रांसफ़र किया तो इसने इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर नोटेशन के फॉर्म में डाल दिया है। जैसे अगर हम देखें, ये है हमारा बी नोट पे और ये हमारा बी नोट पे है, तो इस तरह से जो है तो आपको अलग अलग नोटेशन के जो भी नोट्स रहेंगे वो सब मिल जाएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं कि इनको सुन सुन के अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखते हैं हम मेलोडाइन,
देखिए मेलोडाइन को सबसे फर्स्ट पे रख दिया है मैंने, ताकि जब आगे की अगर प्रोसेसिंग हो तो वो मेलोडाइन सबसे पहले उसको प्रोसेस करे, उसके बाद में दूसरी प्लगइन्स उसको प्रोसेस करे। तो हमने मेलोडाइन को रख लिया, अब हम इसे पहले सुनते हैं। षष्ठी के जन्म से भी पहले मैं दूसरी प्लगइन्स को ऑफ कर देता हूँ, ताकि आपको जो है समझ अच्छे से आए। ओके दोस्तों, षष्ठी के जन्म से भी अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ नोटेशन जो है तो आगे पीछे हुआ है, तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा नोट है। के जन्म से भी, जैसे ये नोट हमारा ए शार्प पर है, तो इसे जो है ए पर या फिर बी पर हम शिफ्ट करके देखेंगे। षष्ठी के जन्म से भी, ये अभी आप देख रहे होंगे कि ए शार्प पर था तो ये थोड़ा सा ऑफ ट्यून था, तो इसे हमने ए पर किया तो ये ट्यून में आ गया। तो इसी तरह से जब हम आगे भी देखेंगे कि कौन कौन से नोट्स है। षष्ठी के जन्म से भी पहले तेरा वास था, षष्ठी के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। तो गाइज अभी हम लोगों ने जो है हम जो नोटेशन वगैरह थे इसके वो हमने करेक्ट कर लिए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेलोडाइन के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाना, तो मुझे आप कमेंट जरूर करना और मैं आपके लिए उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल में हमने अब जो है तो इसके नोटेशन को सही कर लिया है, और देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे नोटेशन हमें मिल जाते हैं जो कि ऑफ साउंड कर रहे होते हैं एक्चुअल नोटेशन से। तो फ़िलहाल में अब हम करेंगे इसमें कि जैसे मैंने यहाँ पर पहले से ही ऑटो ट्यून को लगाया हुआ था, तो मैं ऑटो ट्यून को ऑन कर लेता हूँ। अब हम इसे देखेंगे कि जैसे हमारी जो स्केल है, ये हमारी डी स्केल है, तो हमने डी स्केल के लिए इसे डी मेजर पे तो हमने इसे सेट कर लिया है, और हमने इसकी रिट्यून स्पीड को कर दिया है अभी 16/18 पे, और जो है एग्जाम एज इट इज़ मैं इसे रखूँगा, काफ़ी ज़्यादा कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं करूँगा। अब हम सुनते हैं कि मेलोडाइन और ऑटो ट्यून को लगाने के बाद में क्या रिजल्ट मिलता है। षष्ठी के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। तो गाइस अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसके ट्यूनिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो हम इसे ठीक कर लेते हैं। पहले तेरा वास पहले तेरा वास था, ये जग रहे पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आते पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। तो गाइज अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने मेलोडाइन और ऑटोट्यून का यूज़ करके जो है हमने साउंड को इतना अमेजिंग सा बना लिया है। अब हम जो हमारे प्लगइन्स जो थे उन्हें ऑन करके हम सुनते हैं कि किस तरह से साउंड कर रहा है।
गाइज अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने मेलोडाइन और ऑटोट्यून का यूज़ करके एक मतलब काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग अचीव कर दी। अब हम बात करते हैं कि आप अगर इसके अंदर जितना ज़्यादा डिटेल में काम करेंगे, आप पियानो लेके बैठेंगे और आप नोटेशन के साथ में अब जब देखेंगे तो काफ़ी परफेक्शन के साथ में होगा। फ़िलहाल मैंने आपको ये समझाने के लिए जो है इसे काफ़ी कम टाइम में करके आपको बताया है। ऑलराइट दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने किस तरह से ऑटोट्यून और मेलोडाइन को जो है एक साथ यूज़ किया और हमें जो है तो काफ़ी बेस्ट रिजल्ट उससे मिला। वैसे तो हम अगर सिंगल भी उसे यूज़ करते हैं तो हमें जो है वो रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए हम दो को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।